कार्तिक महीने के आखिरी 5 दिन में ये उपाय करने से पूरे महीने का लाभ मिलता है। ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। अपना कीमती समय निकालकर जरूर सुने। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल चंदा वॉइस में। कार्तिक महीने के आखिरी 5 दिनों में दीपदान करना चाहिए। वैसे कार्तिक मास का महात्म्य वर्णन करना अत्यंत दुर्लभ है। पूरे कार्तिक मास में यदि आपने व्रत एवं कार्तिक महात्म्य के कार्यों को न किया हो तो आज से पूर्णिमा तक 5 दिन पंचमी का कहलाती है। पंचमी का में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। पूरे कार्तिक मास स्नान ना कर केवल पंचमी का में ही स्नान कर लिया जाए तब भी पूरे मास स्नान करने का फल मिलता है। कार्तिक महीने में भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 2, कार्तिक महीना श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय माना जाता है। नंबर 3, कार्तिक महीने के बारे में कुछ और खास बात। वैदिक पंचांग के मुताबिक कार्तिक महीना स्नान ध्यान और दीपदान का महीना होता है। यह महीना कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। तुलसी विष्णु प्रिय कहलाती है, अतः तुलसी पत्र और मंजरियों से भगवान का पूजन करने से अनंत लाभ मिलता है। नंबर 5, तुलसी विवाह के दिन श्रद्धा अनुसार राधा दामोदर के प्रतीक रूप में 5 या कम से कम एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराया जाता है और वस्त्र आदि दान में देते हैं। कार्तिक महीने के बाद मार्गशीर्ष पूष और फाल्गुन महीने आते हैं। मेरे बताने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो आप अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ मेरे प्यारे दोस्त, कमेंट बॉक्स में राधा राधे राधे और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।